साथियों वंदे मातरम, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन और मैं इस समय हूँ रिंगल्ठा में, जहाँ पे आजकल लगातार घटनाएं हो रही हैं पहाड़ों में, लगातार आगजनी हो रही है। लगातार यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों के घास और यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं वो जल के राख हो चुकी हैं। यही खबर दिखाने के लिए मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे रिंगल्ठा में। सामने आप देख रहे हो कैमरे में, कहूँगा जरा दिखाएगा, यहाँ पे परसों की घटना है जहाँ पे किसी अपरिचित ने आग यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद जो आगे ऊपर गांव है वहाँ पे काफ़ी खतरा मंडरा गया था। आप इस यहाँ पे मेरे ग्रामवासी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम है जी? विक्रम सिंह भाई। कब कब की खबर है ये, कब कब लगी यहाँ पे आग? ये कल शाम को लगी साहब। कल शाम को जी। तो ये कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? हमारी हमारा में सर मतलब वहाँ मतलब घास और मतलब लकड़ी राख हो गई। वो तो शायद आपके गौशाला वगैरह भी हैं? हाँ साहब, गौशाला में है उधर। अच्छा, आप गांव कौन सा आपका वहाँ पे? रिंगल्टा मल्ला। रिंगल्टा मल्ला है? हाँ जी। अच्छा, आप मैं सरपंच सर रिंगल्टा मल्ला। अच्छा, यहाँ पे ये पानी लेने आए थे ग्राम सभाओं लेट के और उन्होंने यहाँ पे आग डाल दी जबरदस्ती। अच्छा, आपको पता है आग किसने डाली है? नहीं, मैं तो दुकान पे था लेकिन गांव वाले बता रहे थे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आप सरपंच हैं यहाँ पे, आप कह रहे हो कि रिंगल्ठा वालों ने, तल्ला वालों ने आग लगा दी यहाँ? तल्ला वालों ने नहीं, औलेत वालों ने, सॉरी, औलेत वालों ने आग लगा दी यहाँ पे। क्या आपके पास प्रूफ है कि आप कैसे आप किसी पे आरोप लगा सकते हो कि इसने आग लगा दी, आपको पता ही नहीं है किसने आग लगाई है? हो सकता है क्या आते जाते लोगों ने लगा दिया आग? वो पाइप रखने आए थे और उनको जाया नहीं गया तो उन्होंने वहाँ पे आग डाल दी ऊपर। अभी भी अच्छा अच्छा ऊपर। अच्छा, यहीं से आग, आगे से यहाँ से आग लगी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, औलेत वालों ने मतलब वो पाइप लाइन का यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो हम पानी भी नहीं दे रहे हैं और ये आगजनी भी उन्होंने गलत काम कर दिया। हाँ, लिहाजा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक बात करें, पहाड़ों में पानी की किल्लत लगातार हो रही है, कारण यही है कि पहाड़ों में लगातार आगजनी हो रही है और मेन जगह ये पहाड़ों में बरसात भी नहीं हो रही है। साथ साथ कुछ गांव ऐसे जो नीचे तरफ के गांव हैं वहाँ पे पानी के स्रोत है वो नीचे जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक विरोध और है मेरे साथ। काफ़ी यहाँ पे पब्लिक आप देख रहे होंगे जुटे हुए हैं मातृशक्ति साइड की तरफ, और जिस प्रकार से यहाँ पे विरोध ये हो रहा है कि यहाँ पे ये लोग, इन लोगों का ये कहना है कि जो ये पाइपलाइन का ये काम शुरू हो रहा है यहाँ पे, इनके ठीक नीचे स्रोत में वहाँ से पाइपलाइन गई हुई है किसी उधर अदर गांव में, और अगर वहाँ पे अगर वो टैंक वगैरह कुछ बनाते हैं तो वहाँ से पानी रिस्क है, उसके बाद नीचे पानी उनको नहीं मिलेगा, ये उनका मानना है। बात करेंगे यहाँ पे उन्हीं गांव वालों से, पहले ठेकेदार से बात करते हैं। आप यहाँ पे पाइप लेके आए, कौन से स्कीम से काम चल रहा है? ये JJM जल जीवन मिशन से। जल जीवन मिशन से इसका सर्वे हो चुका है? सर्वे हुआ था इसका नीचे से। अच्छा। लेकिन नीचे हमने जब ये सर्वे का काम शुरू हुआ, जहाँ हमें एज पर ड्राइंग हमने फिल्टर चैम्बर बना दिया, फिर वहाँ जो स्रोत था उस स्रोत में पानी सूख गया, इसलिए लाइन का काम रुक गया। फिर NGO वाले आए भी दो तीन दिन पहले, हमें उन्होंने रिपोर्ट दी, यहाँ से 200-250 मीटर ऊपर भी एक स्रोत है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। फिर ये औलत वाले कुछ लोग वहाँ गए, उन्होंने देखा जी यहाँ पानी है, ये कह रहे हैं, हमने कुछ लोगों से बात की, कह रहे हैं आप बचा हुआ पानी ले लो, वहाँ पानी करीब ऐसा है 1.5 इंची 1.5-2 इंची पानी है ऊपर, इससे भी ज़्यादा। लेकिन वहाँ से हम 1 इंची का पाइप एक पानी का डाल के और इसमें फिल्टर चैम्बर में लाना चाह रहे थे यहाँ से, और हमने परसों यहाँ की झाड़ियाँ कटवाई। और ये जैसे आप आरोप लगा रहे पाइप डालने वाले ने आग लगाई, ऐसा नहीं है, हमारी लेबर यही है जो 4 आदमी 5 आदमी लगे सारी झाड़ी कटी, अभी भी प्रूफ है जो झाड़ी कटी हुई पड़ी है सूखी, ये पड़ी है वहाँ तक सारी झाड़ियाँ कटवाई, फिर कल हम अपनी गाड़ी में पाइप लोड करके यहाँ लाए और ऊपर तक पाइप बिछवाए, लेकिन जब तक कोई विरोध नहीं था। अब पता नहीं कैसे ये आग लगी हुई तो 2-3 दिन से है, और ये आग कल इधर से लेकर उस पहाड़ तक सारे में आग थी। अच्छा, नहीं हाँ, कल से जब से भी, मैं तो इधर परसों भी देखी आग, 2 दिन पहले भी आग देखी, सारे में धुआं था। जी जी जी। चलो चलो, मैंने आप अपनी बात बताओ। सुनो सुनो सुनो, तो ये जरूरी थोड़ी आप, हमने, मैं आग की बात बाद में आता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ पानी की। ठीक है, आपने लाइन लगवा दी यहाँ पे? नहीं लगवाई नहीं है, अभी पाइप डलवाए हैं लगवाने के लिए। हाँ, इन लोगों का विरोध था तो हमने कहा भाई अपने पाइप उठा लेंगे, हम आपसे लड़ाई क्या करनी, हमारे तो घर तो पानी जाना नहीं है, इन्हीं लोगों के काम आना है। विरोध का कारण आप क्या मानते हैं? विरोध का कारण क्या है जी? विरोध का कारण क्या है? कहेगा विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण इनका आपसी है, औलत के कुछ लोग नहीं चाहते वहाँ से पानी आए, बस इनका आपसी विरोध है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं। बात करेंगे यहाँ पे, नहीं नहीं आपसे बात करेंगे।
ये जो पानी वो कह रहे हैं कि आप लोगों का शायद कोई आपसी विरोध है या क्या है कि औलेतवालों से साथ या क्या है, ऐसा क्या है कारण है? औलेतवाला कोई है क्या यहाँ पे? औलेतवाले कौन है यहाँ पे? आप आपका शुभ नाम क्या जी? रामेश्वर सिंह। अच्छा अच्छा, आप घर गाँव में गाँव पैंट जानो छू है ना, क्या समस्या हम आपका? हमें तो समस्या ये है कि ये लोग रहे हमारा स्रोत से पानी मत दे जाओ क्योंकि हमारा स्रोत सूख जाएगा भाई, यही है समस्या, बाकी कुछ समस्या नहीं है। अच्छा, अभी आपने किस बात की कि वो ठेकेदार ये कह रहे हैं कि उन्होंने शायद किसी स्थानीय लोगों से बात की है? उसकी उन्होंने बात क्या की होगी हैं, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे अभी हैं, हम मैं तो नानी हैं जी, पर जिन लोगों ने बात की उन्होंने बात कर रखी है भले उन लोगों से, रिंगलटा वालों से, मल्ला रिंगलटा वालों से बात कर रखी है, वो आ रहे हैं अभी, आप उधर से आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है। अच्छा, पूर्व प्रधान कहाँ के? पूर्व, आपका शुभ नाम है जी? प्रदीप रावत। अच्छा अच्छा, पूर्व प्रधान है आप? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के? औलेत के। औलेत के? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर ये कल यहाँ पे वो लाए, पाइप लाए हम, और पाइप लाने के बाद यहाँ पे ऊपर ले जाने लग गए, लेकिन आग जो थी वो नीचे से आई। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब यहाँ से किसी ने, किसी भी लेबर ने डाला, हमारे सामने की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो मतलब गलत है ना कि यहाँ पे लेबरों ने यहाँ पे झाड़ियाँ काटी और पाइप ऊपर ले गए, आग आग किसी भी आदमी ने डाला। चार आदमी था ना, अरे चला मुझे समझ, हमारे गाँव को समझ बगरा चला मुझे, हूँ चार चार सी हूँ लेबड़ा माचिस पर आग घाल दिया, और माचिस पर आग घाल दिया, साइड से आई आग, आग यहाँ से नहीं डाल रखा है। सीधे ये कहना है कि ये कहना है कि सीधे सीधा आग यहाँ पे औलेत वालों ने डाली हुई है, और इनका ये कहना है कि कहीं और जगह से आग फैली हुई है, ठीक है? हाँ जी, आग यहाँ पे जो आदमी काम कर रहे थे उनके द्वारा आग नहीं लगाई गई। चलो ठीक है, बात करेंगे पानी पे। हाँ जी, ना पानी कितनी दिक्कत है आपके गाँव में? पानी हमारे गाँव में सर ऐसे बूंद बूंद टपक रहा है और पानी की बहुत बड़ी किल्लत है यहाँ पे। इनका ये कहना है कि आप नीचे जो पानी आ रहा है वहाँ पे कम से कम पौन इंच तक पानी जो ओवरफ्लो में जा रहा है उस पे आप लगाइए। पौन इंच ही नहीं है वहाँ पे, हाफ इंच से भी कम है वहाँ पे पानी। अच्छा, आपको, आप एक पूर्व प्रधान भी हैं, क्या लगता है आपको, अगर आप पानी ऊपर से ले जाते हो तो नीचे पानी सूखेगा या और बढ़ेगा? अब इसका तो क्या कहेंगे, लेकिन वहाँ पे जो 1.5 इंची के लगभग, 1.5 इंची से भी ज्यादा पानी है, तो पाइप 1 इंची का है, वहाँ के पानी नीचे ही रिसेगा, मतलब 1 ही इंची पानी जाएगा अगर 1.5-2 इंची पानी है। अच्छा, कारण यही है कि आज का जो विरोध है वो उनका ये है कि आप ऊपर से पानी नहीं ले जाओगे, अगर नीचे का स्रोत है वहाँ भी जहाँ से पानी उनके लिए भी जा रहा है उसी से नीचे आप भी पानी ले जाओ, यही उनका मानना है। हाँ सर, यही है विरोध तो यही है, लेकिन पानी तो सबको ही चाहिए, जल है तो जीवन है। सर, एक ग्राम सभा को अगर आप पानी देते हैं तो दूसरी ग्राम सभा उससे पेयजल से वंचित हो जाते, क्या उचित है आपकी निगाह में? बिल्कुल। ये जो ये सर जो ये पाइपलाइन है हमारी 1967 से बनी हुई है, जी, ये जालौन योजना है, इसमें 5 ग्राम सभाएं पानी लेती थी इससे, अभी स्रोत में पानी कम होने के कारण से ये 3 ग्राम सभाएं, ग्राम सभा जड़ाओ, ग्राम सभा किनात और ग्राम सभा भलासरी को काट दिया गया है, क्योंकि ये ग्राम सभा रिंगलटा के लिए ही उपलब्ध नहीं है। अब ये माननीय हमारे जो प्रधान जी हैं या माननीय जो ठेकेदार जी हैं, ये यहाँ से पानी ले जा रहे थे, इसकी जो सर्वे की गई है वो हमारे स्रोत से नीचे से की गई। बिल्कुल, वो खुद कह रहे हो। अब उस स्रोत में आज जब इन्होंने देखा, जिस टाइम इन्होंने सर्वे किया उस टाइम वहाँ पर पानी उपलब्ध था, लेकिन गर्मी और आगजनी के कारण से यहाँ पानी न होने की वजह से आज जो है वो स्रोत भी बंद हो गया है। बिल्कुल। तो ग्राम सभा रिंगलटा के लिए जो स्रोत जाता है उसके ऊपर से ग्राम सभा रिंगलटा के लिए ये लोग जबरदस्ती पानी ले जा रहे हैं, जिसमें ग्राम सभा का विरोध है, जो कि एक उचित है, और सभी ग्राम सभा वासी आज यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जी जी, और सभी भाई बहन से मिल करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इनसे कहा गया है कि भाई आप इसको न ले जाएं, क्योंकि इससे ग्राम सभा रिंगलटा तल्ला जो है पानी से वंचित हो जाएगा। जी जी जी। तो हमारी सबसे प्रार्थना यही है कि हमारा किसी से द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये लोग जो है हमारी ग्राम सभा के पानी को न ले जाकर अन्यत्र कोई अपनी बात कर सकते हैं। जी जी। और यही हमारा विरोध है सर। चलो ठीक है, मैं बात करूंगा, यहाँ पे मादक शक्ति बैठी हुई है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे क्या वो कहते हैं। बुढ़ी नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? ये तो बोला आपा नौ क्या? मैं आपा नौ पूछना बस। मेरा नाम श्यामा देवी। अच्छा, गांव का चापा रिंगल तल्ला रिंगल। तल्ला है। हाँ। पैंट का बेकान आपा कौन? एमए की आंधी हो। अच्छा, एक बेटे की। हाँ। अच्छा, तो आप बोलना चाहो कि मतलब पानी हमारे जो स्रोत वे तरफ ले जाओ। हाँ, हमें बोलो कि वो तरफ ले जाओ, मां ले जाना चाहिए, मां ले जाने तो हम फिर पानी कमी हो जाने। हां हां, यहां कुछ ऐसा बोलो कि ताल बंद जाओ। हां, दुई बार दिन समारोह वो ताल भी, फिर मैं भी नहीं जामी हूँ, ये मैं भी लेगी, फिर वो माँ चलेगी,
और हम बोलता हमार पानी शुरू बंद हो जाल तो तब हम कक जाने सही बात मूड पानी बंद जाला पता ना मतलब यो ना हां हमार मतलब ई दीदी आप तो दीदी आपक सुन नाम क्या छ अच्छा अच्छा गांव आपक रिंगल टई हां तल्ला 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 अच्छा अच्छा पान ठिकान दो पान ठीक छ तो बात बढ़िया छ पान हां हां लेकिन ये सुन ले तो गर्मी परेशान बार-बार परेशानी करती मतलब अच्छा अच्छा हां हमारी के बोलन जी हो कि तुम हमार पान पर ना छेड़ो हमर सरो तातल छोड़ बली जालियो पर मल थोड़ा बेना बस मार बेना बस इदे बोलना मलो वैसे मतलब उसे पान बिसिक जालता हो सकन हां हो सकन के बिसुली चोर हुई पाना में हम पण हां हुई आ मां पता चलो ठीक है धन्यवाद यस तो साथियों जिस प्रकार से लगातार पहाड़ों में आगजनी हो रही है पानी कम हो रहा है इसी कारण यहाँ पे गांववासियों का विरोध भी है औलेत के और रिंगल्ठा वालों का इनका सीधे से ये कहना है कि अगर आप मेरे स्रोत से अगर ऊपर से पानी ले जाओगे तो नीचे वाले स्रोत हैं वो खत्म हो जाएगा वहाँ से पानी आगे नहीं पहुँच पाएगा आगे निकलेगा भी नहीं वहाँ से पानी क्यों पानी ऊपर ही बंद हो जाएगा इसलिए उनका ये बताना है कि अगर जहाँ पे हमारा पानी जा रहा है वहीं से ठीक वहीं से उसी के सामने से आप ओवरफ्लो में आप अपने लिए पानी ले जाओ अब यही विरोध यहाँ पे चल रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे यार मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपसी जो मतभेद ना बने और यहाँ पे आपसी तालमेल बिठा के इसको इस मामले को वहीं पे समाप्त कर दिया जाए यही बेटर रहेगा क्योंकि पहाड़ों में लगातार एक सीमित लोग भी हैं कम लोग लगातार प्लान भी हो रहा है कम लोग हैं गाँव में तो ये और बाकी काफ़ी लोग विरोध के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे गांववासी नीचे जो है वो ग्रामवासी और औलेत में भी बड़ी समस्या है पानी का लगातार वहाँ के पानी के लिए वो तरस रहे हैं तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि उनके लिए भी कोई परवाह कोई इस तरह का स्कीम निकाले जिससे कि वहाँ पे उनके लिए भी पानी का एक सुचारू रूप से काम चल सके देखते रहेगा संजीव नेगी पहाड़ी पेज बंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाइए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स जावा